अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू की कटली जो बहुत टेस्टी बनती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने 500 ग्राम आलू ली हूँ, इसे ऐसे राउंड कट करी हूँ, इतनी थिकनेस है इसकी, इतना ही काटेंगे हम इसे। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाली हूँ, 2 चम्मच तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम जीरा 1 चम्मच। कढ़ाई मैंने मीडियम हीट पे रखी हूँ क्योंकि ज़ीरा हमारा जलना नहीं चाहिए, इसीलिए हम मीडियम हीट में ही रखेंगे फ्लेम को। अभी इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते और ये 3 हरी मिर्च को मैंने बारीक टुकड़ों में काटी हूँ, ये डालेंगे। इसे धीमी आंच पे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, सारी खुशबू तेल में उतर जाएगी। इसमें डालेंगे 2 प्याज स्लाइस में कटे हुए, आपकी चॉइस है, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, मैंने स्लाइस में काटी हूँ, ये डालेंगे। हल्का सा प्याज को पका लेंगे। देखिए हमारे प्याज हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, इसे पूरा फ्राई नहीं करना है, इसे हल्का हल्का ही सॉफ्ट करना है। इसमें हम आलू डालेंगे। देखिए सारे आलू को इसमें मिक्स कर लेंगे और आलूओं को प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट तक हमें आलू को ऐसे ही फ्राई करना है प्याज के साथ। देखिए ये 2 टमाटर है, मैंने बारीक टुकड़ों में इसे काटी हूँ, ये डालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच नमक ये डालेंगे, या टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। इसे मिक्स करेंगे, इसका लिड बंद करेंगे और आँच को धीमी करेंगे और इसे 5 मिनट तक हम कुक होने देंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें डालेंगे अब हम मसाले। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है इसलिए मैं पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च है तो आप वो डालिए। इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच, ये देखिए बहुत अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर ली हूँ। इसे अब हम ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे धीमी आंच पे। ये देखिए हमारी कटलियाँ रेडी हो गई है आलू की, आपको दिखाती हूँ कितना गला है, इसे ज़्यादा नहीं गलाना है हमें। देखिए ये गल चुका है, इसे और नहीं गलाना है, इसका शेप नहीं ख़राब करना है हमें, बस इसे अब हम सर्व करते हैं, इसे डिश आउट करते हैं। मैं इसे सूखा ड्राई बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहिए, आपको शोरबे वाला चाहिए तो थोड़ा सा आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे, बहुत टेस्टी बनता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।